हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ शाम का टाइम है और शाम के 7 या 7 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और उससे पहले थोड़ी सी मैं यहाँ पे इंडक्शन पे रखी हूँ, कॉफ़ी बना रही हूँ। तो इनको मन था कॉफ़ी पीने का, तो वही बस उनके लिए ही थोड़ी सी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और खाने में मैं क्या बनाऊँगी, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, वीडियो फुल वॉच कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे कॉफ़ी बना लेते हैं, उसके बाद से फिर मतलब सब्जी बनाने की तैयारी करेंगे। और यहाँ पे ना प्याज टमाटर ये सब मैंने काट लिया है, काट के रख लिया है। और अब इसमें ना जो मिक्सी जार होता है उसमें लहसुन और हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक मैं क्या करूँगी, इसको पीस लेती हूँ। और यहाँ पे कॉफ़ी बन गई है तो इनको दे दूँगी, अपना ये पियेंगे। तब तक मैं यहाँ पे अपना खाने की तैयारी करती हूँ। और आज थोड़ी देर हो गई है, नहीं तो अब तक ना मैं खाना बन जिसे 7 साढ़े 7 बजे तक मेरा खाना बन जाता है, क्योंकि बच्चे ना शाम को, बाबू मेरा शाम को ही सोने लग रहा है और जल्दी जिसे जल्दी खाना पीना बन जाता है तो जल्दी खा लेते हैं ये लोग, तो जल्दी सोना भी होता है। और सुबह 7 बजे से स्कूल हो गई है, नहीं तो सुबह नींद नहीं खुलती है। लेकिन आज थोड़ी देर हुई थी, हम लोग चले गए थे बाहर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है और उसके बाद से ना कुकर में मैंने तेल मतलब गरम करने के लिए यहाँ पे डाल दूँगी। और जब तेल गरम हो जाएगा तो उसमें तेज़पत्ता डाल देती हूँ। और तेज़पत्ता जब हो जाएगा ना, तो उसके बाद से मैं जो प्याज टमाटर काट के रखी हूँ उसको इसमें डाल दूँगी। और थोड़ी सी मैंने इसमें हींग भी डाल दी है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हींग डालने के बाद तेज़पत्ता मैंने डाला। और अभी ना प्याज और टमाटर दोनों को मैं डाल दूँगी और उसके बाद से नमक इसमें डाल के और सीटी लगा देती हूँ। और ये सब्ज़ी मैं कुकर में वैसे बनाती हूँ हमेशा, लेकिन आज मैं इसमें ना कढ़ाई में बनाऊँगी क्योंकि थोड़ी देर भी हो गई है। और इसमें बनाऊँगी तो फिर मतलब इंतज़ार करना पड़ेगा कि कुकर फिर खाली करो, उसके बाद फिर इस मतलब चावल रखूँ। तो इसलिए सिर्फ ना मैं कुकर में प्याज गलाऊंगी और उसके बाद से सब्जी मैं कढ़ाई में ही बनाऊंगी अभी। और यहाँ पे ना लहसुन और अदरक और मिर्चा और ये सब मैंने ना पेस्ट मतलब पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है इसका। तो इसको अब साइड में रख देती हूँ। और उसके बाद से ना यहाँ पे ये पनीर मतलब ले लाए थे, तो पनीर को मैंने ना फ्रीजर में मतलब डाल दिया था, तो थोड़ी सी बर्फ़ जम गई है और मतलब 1.5 2 घंटे तक रह गया था, तो थोड़ी बर्फ़ जम गई है। और ये जो मटर है इसमें भी, तो इसको पानी में डाल के ऐसे छोड़ देती हूँ। और वैसे भी पनीर जब बाहर से आता है ना तो मैं उसको धुल लेती हूँ, जैसे कभी कभी ना अजीब सा लगता है, अगर उसको पानी में धुल लीजिए तो स्वाद उसका अच्छा आता है। तो उसको मैंने भिगो दिया है, तो तब तक बर्फ़ भी मतलब पानी गर्म है ना, तो मतलब बर्फ़ भी वो हो जाएगा, पिघल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्याज टमाटर अच्छे से गल गया था। और अब इसको ना यहाँ पर कढ़ाई में बनाऊँगी, तो कुकर में से मैंने कढ़ाई में निकाल दिया था। और अब यहाँ पे ना जो पेस्ट मैंने बना के रखा है लहसुन अदरक और मिर्चा का, उसको भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और उसके बाद से धीरे धीरे इसको भूनूंगी अच्छे से। और उसके बाद से थोड़ा भून जाएगा तो इसमें जो भी मसाले हैं, जो भी मतलब डेली यूज़ के मसाले होते हैं गर्म मसाले, उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ। तो वही है सिंपल सा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और गर्म मसाला, और थोड़ा सा चुटकी भर एवरेस्ट का मसाला मैं ज़रूर ही डालती हूँ, तो उसको यहाँ पर डाल देती हूँ। और ये जो मिक्सी में मैंने मसाले पीसे थे ना, तो उसमें मसाले लगे हुए होते हैं जो भी मैंने पीसा था, तो उसको धुल के डाल दूंगी। और उसके बाद से मसाले को मैं ढक के भूनती हूँ, तो अच्छे से भुन भी जाता है और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मसाला मेरा कुछ मतलब भुन भी गया है अच्छे से। और अब इसमें थोड़ा सा मैं मलाई डाल देती हूँ, और मलाई डालने के बाद इसको भी फिर से मैं ढक के अच्छे से भूनूंगी। और थोड़ा सा जब भून जाएगा और अच्छे से मलाई भी, तो फिर मैं इसमें जो मटर मैंने रखा हुआ है ना, तो मटर को डाल देती हूँ। वैसे तो मटर मतलब बॉयल होता है, लेकिन फिर भी ना साथ ही में डाल दीजिए ना, तो थोड़ा और अच्छे से हो भी जाता है। और जब तक ये मतलब भून रहा है तो तब तक मैं यहाँ पे पनीर भी कट कर ले रही हूँ। और पनीर को ना मैं छोटे टुकड़ों में ही कट करती हूँ, क्योंकि ना जैसे इसको मैं तलूंगी नहीं और बड़े पीसेज में कर देती हूँ तो फिर चलाने पर ना टूट जाता है इस वजह से। और ऐसे मोटे मोटे छोटे छोटे पीसेज में मोटे मोटे काट लीजिए तो सही रहता है। और यहाँ देख सकते हैं इतने देर तक मैंने पानी में डाला था, लेकिन अभी बर्फ़ ना अच्छे से मतलब पिघला नहीं था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मटर जो है, मैं इसको यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और कुछ मतलब थोड़ी देर के लिए, 1 2 मिनट के लिए इसको भी ढक के छोड़ देती हूँ, अच्छे से मतलब मिक्स हो जाएगा मटर भी थोड़ा सा। और कितना भी बॉयल रहता है ना तो अजीब सा रहता है, और इसमें डाल के भून लीजिए तो बहुत अच्छे से हो भी जाता है। तो इसको ढक के, और थोड़ी सी मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ ना, ऐसे ना फ्रंट मतलब फ्रंट कैमरे से ना इसका कलर अजीब दिख रहा है, लेकिन कलर बहुत ही अच्छा था। अभी
बैक कैमरे से मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब साग मटर के साथ मसाला भी अच्छे से मतलब भून गया था और तेल भी किनारे से निकल आया था। और यहाँ पे ना फिर मैंने पनीर डाल दिया और इसको भी एक बार थोड़ी देर के लिए ना ढक के मतलब वैसे ही छोड़ दूँगी, और फिर उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डालती हूँ। और वैसे तो मैं कुकर में हमेशा ही कुकर में ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो इसमें बना लेती हूँ, तो फटाफट हो भी जाएगा। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये बैक कैमरे से मैं दिखा रही हूँ तो कलर बहुत ही अच्छा था, लेकिन फ्रंट कैमरे से ना अजीब सा कलर दिख रहा था। और यहाँ पे अच्छे से भुन भी गया है, मतलब मिक्स हो गया है सब चीज़। तो अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, जितना भी मुझे ग्रेवी चाहिए होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने पानी इसमें डाल दिया है, मुझे जितना भी चाहिए ग्रेवी। और थोड़ा सा ना इसमें मतलब उबाल आने के लिए इसको ढक के छोड़ देती हूँ। और अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी ना कसूरी मेथी, और धनिया पत्ता नहीं है तो कसूरी मेथी भी का स्वाद भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे इसमें मतलब उबाल आ गया है, अब इसको ढक के छोड़ देती हूँ तो अच्छे से मतलब मिक्स हो जाएगा सब चीज़, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पे तब तक मैं रख दे रही हूँ चावल, तो चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे घी ले लिया था, और घी में लौंग और एक इलायची छोटी वाली, और उसके बाद से ना थोड़ा सा मतलब एक दो तेज़पत्ता यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और ऐसे ना पनीर के साथ ये वाली चावल बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब हो गया था, तो फिर मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। और ये जो चावल है ना, मतलब पुलाव वाले चावल हैं ये, तो इतना था क्योंकि जिससे ना थोड़े थोड़े इसकी ज़रूरत मतलब ज़्यादा मुझे नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आती है, मुझे मेरे घर का जो चावल है वही मुझे अच्छा लगता है। तो कभी पुलाव वाला बनाना होता है तो उनको अच्छा लगता है, तो फिर वही लाते हैं। तो रखे रखे ना कभी बरसात में ना कोई भी चीज़ बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बच रहा था तो मैंने डाल दिया है। बच्चों को मेरे पसंद आता है, और तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बच रहा है तो क्या बचाऊँ, तो इसलिए चावल थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। और बेटी को भी मेरे पसंद है ऐसे, तो ऐसे बनता है तो वो थोड़ा सूखा भी वैसे खा लेती है, उसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे भुनने के बाद भी मैंने पानी डाल दिया था, और इसको अब ढक्कन लगा के छोड़ देती हूँ, तो ये अच्छे से हो जाएगा और बहुत ही अच्छा बन जाता है अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे ढक्कन लगा के अब इसको गैस पे छोड़ दूँगी, और उधर पनीर भी मेरा बन गया अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं पनीर भी मेरा बन के तैयार हो गया, तो अब इसको गैस पे मैंने रख दिया, और इतना ही मतलब इसका ग्रेवी मैंने रखा हुआ है। अभी ठंडा होगा ना तो थोड़ा सा और गाढ़ा होने लगता है। और उधर मैंने चावल रखा है, फिर इधर रोटी मैं बना लेती हूँ। तो चलिए अब रोटी यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे रोटी बना ले रही हूँ। तो इतनी गर्मी थी ना, बहुत गर्मी है, और फिर वीडियो बनाना मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और गर्मी तो मतलब बहुत है यहाँ किचन में ना, मतलब अगर 5 मिनट आप खड़े हो जाइए तो एकदम पसीने से तरबतर हो जाता है शरीर। और उसके बाद से ना थोड़ा मेरे पैर में भी दिक्कत होने लग रही है, अभी बहुत आराम था मुझे, लेकिन ना 2-4-10 दिन से ना बिल्कुल ही शुरू हो गई है। 5 मिनट भी मैं मतलब 5 मिनट तक मैं खड़े नहीं रह पाती हूँ, और बायां पैर मेरा जो है एड़ी दर्द होता था वो बहुत आराम था, तो अब वो फिर से शुरू हो गया है। तो फिर स्लीपर पहन के ही ज़्यादातर मैं रहती हूँ, लेकिन वो भी बहुत देर तक नहीं रह पाती हूँ। तो फिर रोटी यहाँ पे बना लिया मैंने, और ये मेरी सिस्टर है, तो ये बच्चों को ना मतलब बाबू को सोने जा रहा था, तो उसको मतलब ना किसी तरह से बहलाकर उसको जगा के रखी थी, तो अब उसको खाना देने गई है। तो वो ये बच्चे खा लेते हैं ना तो थोड़ा सही रहता है, उनको सुकून मिलता है, चलो बच्चे खा लिए, बिना खाए सो जाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। और यहाँ पर किचन उचन भी मैंने साफ़ कर लिया है, और उसके बाद से फिर यहाँ पे आ गई थी मैं, बर्तन थे कुछ वो धुलने के लिए, और ये ना ये लोग कोल्ड ड्रिंक पिए थे, कोई आया है तो वही लेके आई थी, मतलब मेरी फ्रेंड है तो वही लेके आई थी। तो ये लोग कोल्ड ड्रिंक पिए थे, वो बर्तन थे, और ये कॉफ़ी वॉफ़ी के मतलब छोटे मोटे थोड़े बहुत बच्चे भी खाए थे, तो वो बर्तन थे, तो वही मैं यहाँ पर मतलब धुल रही हूँ, और धुल के इसको रख दूँगी। और बाबू मेरा खाना भी खा चुका है, तो उसको नींद तो बहुत तेज़ आ रही थी पहले से ही, लेकिन ना थोड़ी बहुत वैसे मतलब जगा के रखी थी तो खा लिया, नहीं तो ना इसकी आदत इस समय हो गई है, ये शाम को ही सो रहा है, जब मतलब दिन डूबता है उसी टाइम इसको नींद आती है। दिन में मतलब कितना भी कहते रह जाती हूँ कि मतलब सो जाओ, तो ये नहीं सोता है दिन में, और शाम को इनकी आदत हो गई है। तो यहाँ पे ये खा के आ गए हैं, और उसके बाद से मतलब सोने के लिए परेशान था कि मम्मा चलो बिस्तर सही कर दो मैं सो जाऊँ, तो फिर वही यहाँ पे मैं आके और थोड़ा सा बिस्तर झाड़ू दीजिए ना, मतलब कितना भी दिन भर सही करते रहिए फिर भी शाम को ना जिस लगता है कुछ ना कुछ बिस्तरे पे है तो थोड़ा सा सही करके झाड़ देंगी, और यहाँ पे तो फिर ये अपना सो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग भी खाना खा लेते हैं, और टाइम बहुत हो गया था, 10:30 हो गया था, थोड़े थोड़े काम करते करते ना टाइम का कभी कभी पता भी नहीं चलता है कितना टाइम हो गया है। और अभी यहाँ पे इनको लगा दूँगे कूलर, फिर सो जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 10:30 हो रहा है, और उसके बाद से फिर हम लोग भी यहाँ पे आ गए थे खाना खाने के लिए।
तो चलिए हम लोग भी खा लेते हैं और फिर मैं आप लोगों से कल मिलूँगी। तो आज की वीडियो मेरी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो ना थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और उसके बाद से ना फिर मैं आप लोग के साथ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्रॉपर तरीके से मतलब डेली के रूटीन वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।